हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है माधवी किचन में। मैं हूँ माधवी और आज मैं आपके लिए एक स्पेशल सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ मैंगलोर बनाना बंस। ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। ये एक ट्रेडिशनल डिश है मैंगलोर की और इसे बनाया जाता है पके हुए केले का यूज़ करके। बिना ईस्ट के ही ये बंस इतने ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनते हैं कि बस इसका कोई जवाब ही नहीं है। ये फ्राइड बंस बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। आप इन्हें स्नैक्स के सर्व कीजिए या ब्रेकफास्ट में सर्व कीजिए, बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगते हैं और सभी को काफ़ी पसंद आते हैं। बच्चे भी इसे बहुत चाव से खाते हैं। तो दोस्तों, आई होप ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो आइए शुरू करते हैं बनाना मैंगलोर बनाना बंस। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे दो बड़े साइज़ के पके हुए केले लिए हैं। आप चाहें तो छोटे साइज़ का चार केला भी ले सकते हैं। सबसे पहले इनको छील कर बोल में निकाल लेंगे। अच्छा, आप चाहें तो यहाँ पे पके हुए केले जो अक्सर हम फेंक देते हैं, जो बहुत ज़्यादा पके हुए रहते हैं, उन केलों का भी यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये देखिए, दोनों केलों को छील कर मैंने बोल में रख लिया है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। तो यहाँ पे मैंने आधा कप चीनी का यूज़ किया है। ये देखिए, आधा कप चीनी मैं डाल दे रही हूँ और अब मैशर की सहायता से इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। आप चाहें तो स्पून या फोर्क की मदद से भी मैश कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसे मिक्सर ग्राइंडर में थोड़ा सा ग्राइंड भी कर सकते हैं, इससे काम थोड़ा और आसान हो जाएगा। तो ये देखिए, इसे मैश कर लिया है मैंने। ये मिक्सचर जो है स्मूथ हो गया है बनाना का, और साथ ही साथ जो चीनी है वो भी इसमें घुलती जाएगी। तो ये देखिए, बनाना का मिक्सचर हमारा तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा नमक। तो मैं यहाँ पे एक टीस्पून नमक इसमें ऐड कर रही हूँ, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और आधा कप इसमें हम डाल देंगे दही और साथ ही साथ आधा टीस्पून बेकिंग सोडा। और अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। बीट करने से क्या होगा, ये जो मिक्सचर है ना, ये बहुत ज़्यादा लाइट और एकदम क्रीमी हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें दही और सोडा साथ में डाला है, तो एकदम क्रीमी मिक्सचर हो जाएगा ये। तो आप देख सकते हैं, अच्छे से बीट हो गया है मिक्सचर, अच्छे से फेंट लिया है मैंने इसे। और अब इसमें डालेंगे मैदा। तो इसमें 3 कप मैदा ऐड करेंगे। मैदा को हमें ग्रेजुअली ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा करके। तो पहले 1 कप मैदा ऐड करेंगे इसमें और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे केले के मिक्सचर में। जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसमें और 1 कप मैदा ऐड करेंगे और इसको भी मिक्स करेंगे। मिक्स करने के लिए स्पून की मदद हम ले सकते हैं या फिर हाथों से भी मिक्स किया जा सकता है इसे। इस तरह से ग्रेजुअली मिक्स करने से ये मिक्सचर फ्लफ़ी बनता है और इससे हमारे जो बनाना बंस हैं ये भी काफ़ी फ्लफ़ी बनते हैं। तो ये देखिए, अब आधा कप मैदा मैंने इसमें डाला है, इसको भी मिक्स करेंगे धीरे धीरे। आप देख सकते हैं, ये जो मिक्सचर है ये थिक होता जा रहा है और डो के फॉर्म में आता जा रहा है। ये देखिए, ये भी मिक्स हो गया। अब आधा कप मैदा और मिक्स कर रही हूँ। अब जब ये डो के फॉर्म में आ जाए तो इसको हाथों से अच्छे से गूंथना है हमें, ताकि एक सॉफ्ट और स्मूथ डो तैयार हो जाए हमारा। अगर ये मिक्सचर थोड़ा ड्राई लगे तो आप इसमें थोड़ी सी दही और ऐड करके इसे मिक्स कर सकते हैं और सॉफ्ट डो तैयार कर सकते हैं। अगर ये मिक्सचर स्टिकी लगे तो इसमें थोड़ा मैदा डस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया है। थोड़ा स्टिकी है डो, तो मैंने मैदा थोड़ा सा डस्ट करके और अच्छा सा सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है। तो ये देखिए, डो हमारा तैयार हो गया है। अब लास्ट में इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून ऑयल और ऑयल को डो के चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। तो ये देखिए, कितना बढ़िया सा स्मूथ डो हमारा तैयार हो गया है। डो को आप इस तरह से बॉल में स्प्रेड करके और इसको ढक कर रख देंगे 6 से 8 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए, या फिर आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं फर्मेंट होने के लिए। तो ये देखिए, 6 से 8 घंटे के बाद हमारा जो डो है कुछ इस तरह का हो गया है। ये डो बिल्कुल तैयार है बनाना बंस बनाने के लिए। इसको एक बार थोड़ा सा और गूँथ लेंगे हम। इस तरीके से जो डो है वो काफ़ी चिकना हो जाएगा और इसके अंदर जो हवा भरी है वो भी निकल जाएगी। अब इस डो को हम डिवाइड करेंगे 10 से 12 पोर्शंस में। इतने डो से 10 से 12 बनाना बंस हमारे बन जाएंगे। तो ये देखिए, थोड़े बड़े साइज़ का हमें पोर्शंस निकालना है इसमें से। तो ये देखिए, आप साइज़ देख सकते हैं। और ये डो थोड़ा स्टिकी लग रहा है, तो मैं इस पर डस्ट कर दे रही हूँ थोड़ा सा मैदा। और ये देखिए, इस तरह का बॉल्स हमें तैयार करके रख लेना है। अब एक एक करके पोर्शंस हम लेते जाएंगे और इस पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करके और इसे रोल करते जाएंगे। ये देखिए, थोड़ा सा इसे फ्लैट कर दे रही हूँ मैं। और अब ये देखिए, इस तरीके से हमें इसे पूरी के शेप में रोल करना है, लेकिन हमें इसे थिक रोल करना है, पतला नहीं बनाना है। पतला अगर बनाएंगे तो वो पूरी जैसा बन जाएगा और वो फ्लफ़ी नहीं बनेगा अंदर, इसलिए हम इसे थोड़ा सा थिक रोल करेंगे। आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस, ये देखिए। इसी तरीके से हमें सारे बनाना बंस को रोल करना है। इसको साइड में रख देती हूँ और इसी तरीके से सारे जो पोर्शंस हमने बनाए हैं उसको रोल कर लेंगे और रखते जाएंगे। और अब ये तैयार हैं फ्राई करने के लिए।
तो ये देखिए ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया है कढ़ाई में। ऑयल गरम हो चुका है, तो एक एक करके हम बनाना बंस को ऑयल में फ्राई करेंगे। फ्लेम हम मीडियम रखेंगे इस समय, और इस तरह से ऑयल को थोड़ा स्प्लैश करते जाएंगे उसके ऊपर। धीरे धीरे जो बनाना बंस है वो फूल कर ऊपर आ जाएगा तेल के, आप देख सकते हैं, और ये फूल जाएगा। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये फूल गया है। इसको अब हम पलट देंगे, और अलट पलट कर दोनों तरफ अच्छे से इसको लाइट ब्राउन होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए मीडियम फ्लेम पर हम फ्राई करेंगे बनाना बन को, ताकि अंदर तक अच्छे से ये पक जाए, और जब इसका कलर गोल्डन ब्राउन होगा तब हम इसे ऑयल से निकालेंगे। तो ये देखिए दोनों तरफ अच्छे से पक चुका है ये बन, और कलर भी बहुत अच्छा सा आ गया है गोल्डन ब्राउन। अब हम इसको ऑयल से निकाल लेंगे और कढ़ाई की साइड में थोड़ी देर रख लेंगे, ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। और ये लीजिए एक बनाना बन हमारा बनकर तैयार है। ये देखिए कितना फूला फूला और सॉफ्ट बनाना बन हमारा बना है, बहुत ही बढ़िया बना है। तो इसको हम निकाल कर एक प्लेट में रख देंगे किचन टॉवल के ऊपर, ताकि इसमें से जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो उसमें अब्सॉर्ब हो जाए। इसी तरीके से सारे बंस को हम एक एक करके फ्राई करेंगे। ये बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, और झटपट इसको ब्रेकफास्ट में भी बनाया जा सकता है, बहुत टेस्टी लगता है खाने में, और एकदम फूला फूला बहुत टेस्टी बनाना बन बनकर तैयार होता है। तो ये देखिए इसी तरीके से बहुत ही आसानी से सारे हमारे बनाना बंस बनकर तैयार हो जाते हैं। तो लीजिए दोस्तों तैयार है हमारे बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बनाना बंस। तो लीजिए दोस्तों तैयार है हमारे टेस्टी सुपर फ्लफी सॉफ्ट बनाना बंस। एक बनाना बन आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए कितना फूला फूला और सॉफ्ट स्पंजी बनाना बन बना है। ये देखिए इसके अंदर का टेक्स्चर कितना सॉफ्ट और स्पंजी है, और ये देखिए इसके अंदर कितनी बढ़िया सी जाली बनी है। और ये फूला फूला बनाना बंस बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, और बच्चे हो या बड़े सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वैसे तो इसको सर्व किया जाता है कुर्मा के साथ जो सब्जियों से बनता है, लेकिन आप इसे कोई भी अपनी फेवरेट करी या अचार के साथ खा सकते हैं, या इसे चाय और दूध के साथ भी सर्व किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो दोस्तों आई होप ये बनाना बंस की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिए एक बार, और कैसी बनी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों मिलते हैं एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।